हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी बेबी फूड वाली, जो कि वेट गेनिंग, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मखाना और सेब का दलिया। तो हम आज एक ही इसमें दो रेसिपी बनाएंगे, एक मखाना पाउडर कैसे बनाते हैं और एक मखाने और सेब का दलिया कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप जितना मखाना ले लिया है। आप चाहे तो पैकेट वाला या फिर खुला मखाना कैसे भी ले सकते हैं, पर जो भी मखाना ले, याद रखना है हम इसे अच्छे से खोल के ले, मतलब दो भागों में काट के फिर अच्छे से चेक कर ले इसमें कोई कीड़े वगैरह ना रहे। तो मैंने सारे मखाने अच्छे से काट लिए हैं और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इसका साउंड एकदम क्रंची वाला आ रहा है। तो हमारे मखाने काफ़ी अच्छा रोस्ट हो चुके हैं। इसे हम ठंडा होने देंगे और इसका हमें एक फाइन पाउडर बना के रेडी करना है। तो मैंने इसे पाउडर में बना लिया है और एक छलनी में डाल के इसे अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स कोई ना रहे। तो ये देखिए, हमारा मखाना पाउडर बन के रेडी है। आप इसे आसानी से 7 से 8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और ट्रैवल में ले जा सकते हैं। ट्रैवल के लिए तो ये काफ़ी बढ़िया है। इसे क्या करना है, ट्रैवल में यूज़ करते वक्त 2 टीस्पून जितना मखाना पाउडर ले लेना है कटोरी में। ऊपर से हमें गर्म पानी ऐड कर देना है और 5 मिनट के लिए ढक के रख दो। तो ये हमारा मखाना क्या बोल सकते हैं, मखाना पेस्ट बन के रेडी है बेबी के लिए। एकदम ईजी टू ये रहता है ट्रैवल में यूज़ करने के लिए। तो ये देखिए, हमारा पाउडर बन के रेडी है। एक कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। तो अब चलिए हम इसे बनाते हैं दलिया, पोरिश बोल सकते हैं, दलिया बोल सकते हैं, खीर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप चाहे ना तो इस पाउडर में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काजू बादाम, पर मुझे ऐड नहीं करना है। मुझे इसे प्लेन ही पाउडर चाहिए था तो मैंने प्लेन पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हमारा पाउडर बनके रेडी है। इसे हम साइड में रखेंगे। एक सेब ले लिया है यहाँ पे मैंने, एक एप्पल को अच्छे से मैंने पील कर लिया है। पील करके हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे बॉईल करने के लिए। हमें एप्पल को बॉईल करना है तो मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है, एक कटोरी में डाल देंगे। ऑलरेडी मैंने एक भगोनी में पानी हीट करने के लिए रख दिया है बॉईल करने के लिए। आपके पास अगर स्टीमर है तो उसमें कर लीजिए। सेब को कभी भी पानी में डाल के बॉईल नहीं करते हैं, उसका जो अर्क रहता है ना वो निकल जाता है पानी में, इसलिए फिर हमें इस तरीके से बॉईल करना है। 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल हो चुका है हमारा एप्पल, चेक कर लीजिए। इसे ठंडा होने के बाद मैंने इसका हमें पेस्ट बना लेना है। मिक्सर में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लिया है। एक पैन में मैंने 1/4 कप जितना पानी ऐड करके 2 टीस्पून जितना मखाने का पाउडर ऐड कर दिया है। इसे कंटिन्यूसली हलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, कंटिन्यूसली हिलाते रहो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे एप्पल की प्यूरी जो हमने अभी बनाई थी। इतना टेस्टी लगता है ना ये खाने में, अपना बच्चा भी आराम से खा लेता है। ब्रेकफास्ट में दीजिए आप डेली या अल्टरनेट डे, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे तब तक मिक्स करते रहना है कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। आप इसमें इलायची का पाउडर थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घी डाला है, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। आप अगर नहीं डालना चाहे तो ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लो। ये हमारा बनके रेडी है। ठंडा होने के बाद इसे हमें सर्व करना है एक बॉल में। तो ये देखिए, हमारा बेबी फूड यम्मी यम्मी बनके रेडी है। आप अपने बेबी को खिलाइए, ब्रेकफास्ट में दीजिए।
इसे अच्छे से नींद भी आएगी, ब्रेन डेवलपमेंट होगा। इसमें मखाने में ना ज़्यादा सोडियम है, पोटेशियम ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।